stüdyo basit kanman bekliyorda bir eser getirecek repeat seremoni pekmer ekbar bana sağlık et. Participant के इस आयोजन में भारतीय क्रिकेट के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर्स के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उठाते हैं और आज के सुरेश का नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार असिस्टेंट कमांडेंट और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर thank you.
Thank you.
Let's have a good one, honey.
आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज बताते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हुए साथी दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक सुरवर्दी में हैं, उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सुन। अब आप मेरे साथ तीन बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे।
स्थान पर बैठे हैं। एक बार पुनः सुने आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन, कृपया फिल्म समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। धन्यवाद। कृष्ण कुमार असिस्टेंट कमांडेंट
सब इंस्पेक्टर रामदेव चंद। और हमें आज के स्टेट के पावर कमांडर है मुख्य आरक्षक पवन कुमार। सभी आज के स्टेट पर तो महिला प्रहरी का भी विशेष योगदान है। महिला प्रहरी कमलेश कुमारी और प्रीति कुमारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठकर आज के इस शानदार खेल का आनंद उठाएं। दर्शक भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करो। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है सत्य की प्रेर खबरता हो। सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। प्रेर समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े व स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार स्वर्ण जयंती द्वार व स्टेडियम में स्थित एक्सिट वे का प्रयोग करें। एक बार पुनः सुने आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कृपया प्रेर समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि मैं आप द्वारा जैसी भी अटाई में ली गई फोटोज व वीडियोज को जब भी सोशल मीडिया पर अपलोड करें कि मैं बीएसएफ पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और यूट्यूब पर टैग करना ना भूलें। आप द्वारा ली गई बेस्ट फोटोज व वीडियोज को बीएसएफ पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जाएगा। धन्यवाद। Come on!